हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने सोचा है थंबनेल को पढ़ के, कि क्या हमारे जीवन में ऐसी स्थिति बन सकती है। यदि आपके जीवन में आप चाहते हैं कि धन की जो समस्या है वो क्यों है और कैसे दूर होगी, तो वो हम समझेंगे। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र जो कि धन को देने वाले, ऐश्वर्य को देने वाले, संसारिक सुखों को देने वाले, दाम्पत्य जीवन लव लाइफ में बड़ा कारक तत्व प्राप्त होता है शुक्र को। जो भी आप संसारिक चीजें देखते हैं और आप प्राप्त करना चाहते हैं, घर गाड़ी बंगला, सभी चीजों में शुक्र का आधिपत्य होता है, कारक तत्व शुक्र को प्राप्त होता है। तो आप अपने जीवन में अब शुक्र जो परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र 31 जुलाई को अपना परिवर्तन करेंगे। कर्क राशि को छोड़ के अब सूर्य की राशि सिंह राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 31 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक सिंह राशि में गोचर करेंगे और 24 अगस्त को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस बार जो ये परिवर्तन है, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और कई तरह के आपको लाभ भी देने वाला है। कुछ सावधानियां भी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको ध्यान में भी रखनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं, कौन से लाभ हैं, कौन से जीवन में उतार चढ़ाव हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे सब विस्तार से समझेंगे। और शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो बहुत कम समय में, 20 से 25 दिन के समय में अपना परिवर्तन करता रहता है। बुध हो गए, शुक्र हो गए, ऐसे ग्रह ये अपना परिवर्तन करते रहते हैं। तो सिंह राशि में कुछ विशेष स्थितियां बनने जा रही, पहले वो समझ लीजिए। शुक्र जैसे ही यहां पर गोचर करेंगे तो बुध महाराज भी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय बिताएंगे सिंह राशि पर। तो देखा जाए तो ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए हो जाती है कि इससे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने की वजह से कई सारे लाभ आपको मिलेंगे। और शुक्र का ये परिवर्तन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण मिथुन वालों के लिए इसलिए हो जाता है कि मिथुन राशि है जो, ये आपकी लग्न है तो आपके लिए कारक ग्रह कहलाते हैं शुक्र महाराज, इसलिए बड़ा महत्व होता है। तो ये शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, तो विदेश से किसी भी तरह आप जुड़े हुए हैं तो आपको विदेश से लाभ की स्थिति इस समय देखने को मिलने वाली है। तो आप यदि चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जॉब करना चाहते हैं या व्यापार विदेश में जाके करना चाहते हैं या जुड़ के किसी भी तरह करना चाहते हैं, तो आप जो है तो इस समय पूरी तरह से, हाँ, अपनी कुंडली को एक बार अवश्य देख लीजिएगा कि कैसे योग संयोग है आपकी कुंडली में, परंतु गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप यहां से धन अर्जन करते हैं या सोशल मीडिया से जुड़ के कोई काम करते हैं, तो यहां पर भी आपको विजय प्राप्त होगी, लाभ की स्थिति प्राप्त होगी, सफलताएं प्राप्त होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि समझिए कि चाहे आप फेसबुक में हो या यूट्यूब में हो या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, जैसे आप ब्लॉग बनाते हो, ब्लॉग बनाने की 2 स्थिति होती है, एक तो वीडियो वाला ब्लॉग, एक लिखने वाला ब्लॉग, है ना। तो जो भी आप बनाते हो, करते हो सोशल मीडिया से जुड़ के, तो कई बार देखते हैं आपकी बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं कॉन्टेंट बनाने में, परंतु फिर भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। कहीं ना कहीं जो आप अपेक्षा करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, तो वो सफलता ही नहीं मिलती है, परंतु ये मौका है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं। इस समय देखा जाए तो आपके जीवन में थोड़ा संघर्ष अवश्य होगा, मेहनत इस समय आपको अवश्य करनी होगी। मेहनत से आप पीछे ना हटे, मेहनत जितनी ज्यादा आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको इस समय लाभ होगा। इस समय जो लाभ होने वाला वो आपके मेहनत ऊपर ही डिपेंड करेगा, यानी कि जितनी ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा संघर्ष, जितना ज्यादा रिस्क आप लेंगे उतना ही ज्यादा आप सफलताएं भी प्राप्त करेंगे। आपको इस समय भाग्य का भी साथ मिलेगा।
जिसकी वजह से आप महसूस कर सकेंगे कि जो काम पहले नहीं हो पा रहे थे, असंभव जैसे लग रहे थे, इस समय वही काम आपके बन रहे हैं। इस समय आपका मन संसार से हटके और अध्यात्म की ओर बढ़ने वाला है। और यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करते हैं तो यहां से भी लाभ देखा जा सकता है, परंतु यहां पर उन लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा जो लोग लॉन्ग टर्म वाले हैं। शॉर्ट टर्म वालों को समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं और लाभ भी हो सकता है, परंतु यहां पर लाभ होने की संभावनाएं कम है और नुकसान होने की ज्यादा। तो लॉन्ग टर्म ही जो है तो आपको आगे चुन के बढ़ना चाहिए। इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं कि जिनकी स्थितियों में, यानी कि किसी भी वजह से मन मुटाव हुआ है, जो लव पार्टनर है, या किसी भी स्थिति के कारण अलगाव की स्थिति बनी है, यानी कि आप दूर हो चुके हैं, तो ये समय होगा जिस समय आप सुधार करने की कोशिश कर सकते हैं। परंतु हाँ, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा होगी, इसमें आपको कहते हैं ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे तभी स्थितियां सुधरेंगी। क्योंकि ये जो समय है, आप जैसे आपने देखा कि सिंह राशि में गोचर करेंगे शुक्र, तो सिंह राशि वो भी तृतीय भाव में गोचर करेंगे, है ना, मिथुन वालों के लिए, तो ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। सिंह राशि में गोचर करना भी बहुत श्रेष्ठ नहीं और तृतीय भाव में भी गोचर करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है शुक्र का। परंतु ये जो योग बनने जा रहा है, ये योग बड़ा प्रभावी है। इसकी वजह से आपको संघर्ष तो करवाएंगे ही, मेहनत करवाएंगे, परंतु सफलताएं भी दिलाएंगे। इसके अलावा जो लोग अपने जीवन में, खासकर यदि आप गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं, तो आपको अवश्य समय इन रोगों से बाहर निकलने के लिए एक मौका है। आप इस समय प्रयास करिए। और मैं हमेशा कहा करता हूं, जो पुराने दर्शकों समझते हैं, जानते हैं, जो नए दर्शक उनके लिए मैं बता दूं कि कुंडली अवश्य चेक किया करिए। अब एक किसी का प्रश्न था, कोई दर्शक ही थे, उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं कुंडली चेक करो, हमेशा बोलते हैं। अरे हमेशा नहीं बोलेंगे तो जो नए दर्शक आते हैं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा। और आप तो ठीक है, यदि कोई पुराने दर्शक हैं तो उनको लगता है कि हम हमेशा बोलते हैं, परंतु जो नए दर्शक हैं उनके लिए तो पहली बार ही होता है। इसलिए, और हमेशा मैं बोलता इसीलिए हूं कि इस बात को आप भूले नहीं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं शुक्र की, तो आप शुक्र की स्थिति को देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कैसी स्थिति है। साथ में सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध के साथ भी युति कर रहे हैं, तो इनकी भी स्थिति देखिए कैसी है। और दशाएं तो हमेशा चेक करना ही चाहिए। और भी कई महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जो आपको चेक करना चाहिए। और देखिए, कुंडली देखने की विशेष आवश्यकता कब होती है, जब समझिए कि जैसे मैंने कई तरह की स्थितियां बताई कि ऐसी ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी, इसमें जैसे धन लाभ की स्थिति हो, है ना, चाहे आप विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हो, तो ये सब चीजें मैंने जो बताई, तो इसमें अब संभावना ये है कि आप विदेश से जुड़ रहे हो, ये जुड़ना चाहते हो और आप जानना चाहते हैं कि हाँ विदेश से जुड़ के मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें अब गोचर तो सपोर्ट कर रहा है पर जन्म कुंडली कर रही कि नहीं, तब फिर कुंडली विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन आप कुंडली विश्लेषण करवाएं। आप कुंडली विश्लेषण तब करवाइए, मैं हमेशा कहता हूं, जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना हो तब अवश्य आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना चाहिए। तो या जो है तो ठीक है, अब कुछ लोगों को अपनी जन्म कुंडली याद भी होती है, जब आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो धीरे धीरे देखते देखते सुनते सुनते आपको अपनी जन्म कुंडली ही कंठस्थ हो जाती है, कैसे कौन से ग्रह कहाँ किस भाव में बैठे, किस स्थिति में है, कितने अंश के हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं, कौन से चरण में बैठे हैं, ये सब चीजें देखते देखते याद हो जाती है। तो उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आपने यहाँ पर देखा गोचर में और वहां आपको ध्यान में आ गया कि हाँ कहाँ कैसे क्या है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, हमेशा जन्म कुंडली चेक करना ही चाहिए। हाँ, अब कुंडली दिखाना कब चाहिए, जब कोई जीवन में समस्या हो या आप कोई निर्णय लेना चाहते महत्वपूर्ण, तब दिखाना चाहिए। या तो कम से कम, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे मौके हैं, परंतु कम से कम वर्ष में
एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप देखते हैं कि महादशा होती, अंतर दशा होती, प्रत्यंतर दशा होती, सूक्ष्म दशा होती, प्राण दशा होती, योगिनी दशा होती, बहुत सारी दशाएं होती। परंतु महादशा एक हो गई सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में, है ना, वो कई वर्षों की, कम से कम 6-7 वर्ष की तो होती ही है। और फिर अंतर दशा, तो अंतर दशाएं चेंज हो रही हैं, महादशाएं चेंज हो रही हैं, तो इसलिए वर्ष में कम से कम, जैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि मेडिकल चेकअप वर्ष में कम से कम एक बार पूरे शरीर का हमें कराना चाहिए। क्यों कराना चाहिए? क्योंकि आपके शरीर में कोई रोग ना हो रहा हो। यदि आपको पहले ही मालूम पड़ गया तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, है ना, उपचार करके, दवाइयाँ लेके, नियमों का पालन करके। इसी तरह जब जन्म कुंडली आप वर्ष में कम से कम एक बार चेक करवाते हैं तो क्या होता है कि आपको मालूम हो जाता है कि भाई ये महादशा चल रही, अंतरदशा ये चल रही, ये समस्याएं हो सकती, इस समस्या का ये समाधान है। तो आप समस्या आने से पहले ही उसका उपाय करना शुरू कर देते हैं, जिससे आप समस्या से बचते हैं। अब ये तो सत्य बात है कि जो आपने कर्म किया उसका फल भोगना है, परंतु जब हम भगवान के शरण में होते हैं तो उन समस्याओं को झेलने के लिए भगवान की कृपा से हम बड़े आसानी से झेल जाते हैं, और उन समस्याओं से बड़े आसानी से हम जीवन में जो स्थितियां हैं उन्हें संभाल पाते हैं। तो इसलिए आप जो है तो अवश्य चेक करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। अब एक बात और भी मैं कह दूं, फिर उपाय बताऊं, और मैं बातें शेयर करता रहता हूं, जो अभी समझिए कि फला देर से आपने सुना, पर मैं बातें इसलिए भी शेयर करता हूं कि जो दर्शक है हमेशा देखते हैं उनके मन में यदि कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर भी होता रहे, तभी तो देखने का मतलब। जब कंफ्यूजन रहेगा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन रहा आएगा। अब एक बात मैं ये कह रहा था कि अब समझिए कि आप नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक हैं जो भी हैं, तो आप ये देखना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, और हाँ एक कंफ्यूजन हुआ करता है कि भाई समझिए अभी शुक्र का परिवर्तन है, फिर भी इस 25 दिन है ना 24 अगस्त को होगा, फिर उसमें कुछ बताया जाएगा, पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता? इसीलिए जब हमें अपनी कुंडली नहीं पता होती, इसलिए भी आवश्यक है कुंडली को देखना, ये कंफ्यूजन जो रहता है ना वो दूर होता रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। उपाय की हम बात करें दर्शकों, तो उपाय के रूप में सबसे सरल है आप अपने कुल देवी की आराधना करिए। कुल देवी की आराधना करने से जो भी समस्याएं वो दूर होंगी, और जिन्हें कुलदेवी नहीं पता तो वो माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, या तो यदि आपका लगाव माँ लक्ष्मी से हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। वैसे कहा गया है कि शास्त्रों में बताया गया है कि जिनको अपनी कुलदेवी नहीं पता उनकी सभी की कुलदेवी माँ जगदम्बा मानी जाती है, क्योंकि वो आदिशक्ति है, है ना, तो इसलिए माँ जगदम्बा की भी आराधना आप कर सकते हैं। परंतु ये मैं हमेशा कई बार आप लोगों को कह चुका हूं कि आप अपने कुल देवी कुल देवता अवश्य जानिए, समझिए। तो अपने कुल देवी की जयकारा लगाइएगा कमेंट में, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।